हेलो वेलकम, आइए गणमान्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रवि कुमार रोज की तरह फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम आपको बताएंगे एसएससी एमटीएस में ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है और ट्रांसफ़र होने में किस स्टेट में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका पोस्टिंग जिस सिटी में जब हो जाता है, तो जिस सिटी में आपका पोस्टिंग होता है, तो उस सिटी में आपको पहले तो जॉब करना पड़ता है। अब जॉब करने के बाद आपका जब ट्रांसफ़र आप कराना चाहते हैं, तो उस समय देखिए आपको क्या है कि एप्लीकेशन देना होगा। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रांसफ़र अपना करा सकते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन में जो भी आप स्टेट में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या किसी सिटी में लेना चाहते हैं, जिस सिटी में, तो उस सिटी को आप क्या मेंशन करेंगे। और साथ ही साथ आपको देखिए क्या करना होगा। अब देखिए, आप कोशिश करिए कि आप कई सिटी डालें। देखिए, आप जब कम सिटी डालोगे तो होगा क्या, हो सकता है कि उस सिटी में कोई अदर पर्सन ट्रांसफ़र लेना ही ना चाहता हो। देखिए, ये बेसिकली क्या होता है, यदि मान लीजिए राजस्थान है और मान लीजिए आपका कानपुर है, तो देखिए यदि कानपुर का पर्सन राजस्थान में ट्रांसफ़र लेना चाहता है और राजस्थान का पर्सन कानपुर में ट्रांसफ़र लेना चाहता है और दोनों पर्सन ने एप्लीकेशन डाला हुआ है, तो उस केस में क्या है, ट्रांसफ़र होने के चांसेस बन जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपके ही डिपार्टमेंट में होगा। कहने का मतलब है, जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई है, उस डिपार्टमेंट में ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आपका ऐसा नहीं होगा कि आपकी पोस्टिंग किसी डिपार्टमेंट में हुई है और आपको ट्रांसफ़र किसी अदर डिपार्टमेंट में कर दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि उसी डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र होगा जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई है। आई होप आप मेरी पूरी बातों को समझ गए हों। इसी तरह हम हर रोज़ आपके सामने हाजिर होते हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। आइए ज्ञान बढ़ाएँ।